बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तलावत तस्निया शरा की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। देख कि आज के दिन मैंने जिंदगी और नेकी को और मौत और बदी को तेरे आगे रखा है। अगर तू खुदावन अपने खुदा के अहकाम पर अमल करे जिनका मैं आज तुझे हुक्म देता हूँ कि तू खुदावन अपने खुदा को प्यार करे और उसकी राहों में चले और उसके अहकाम और कवानीन और कजाओं को माने तो तू जिंदा रहेगा और बढ़ जाएगा और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में तुझे बरकत देगा जिसका मालिक बनने को तू जाता है। लेकिन अगर तेरा दिल फिर जाए और तू ना सुने और बहकाया जाए और दूसरे माबूदों को सिजदा करे और उनकी बंदगी करे तो आज के दिन मैं तुझे पेशखबरी देता हूँ कि तुम ज़रूर हलाक हो जाओगे और उस मुल्क में मुद्दत तक ना रहोगे जिसमें दाखिल होने के लिए तुम उर्दन के पार जाते हो ताकि उसके मालिक बनो। और आज के दिन मैं आसमान और ज़मीन को तुम पर गवाह लाता हूँ कि मैंने ज़िंदगी और मौत और बरकत और लानत तुम्हारे सामने रखी है। बस तुम जिंदगी को चुन लो ताकि तू और तेरी औलाद जिंदा रहो कि तू खुदावंद अपने खुदा को प्यार करे और उसके हुक्म की ताबेदारी करे और उससे लिपटा रहे क्योंकि इसी से तेरी जिंदगी और तेरे अयाम की दराजी है ताकि तू उस मुल्क में बसता रहे जिसकी बाबत खुदामन ने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाई कि वो उन्हें अता करेगा। कलाम 1:10 का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाएं से बरकत हो।